सोहिल सोहिल क्या काम करते हो? सब्जी का काम करता है। किस बात को पर लड़ाई हुई है? पता नहीं, मैं तो अपनी सौदा बिक रहा और आन के है ना खामे खामे मारने लग गया अचानक। क्या कोई आपकी पुरानी गंजी से किस बात को? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आते ही आपको मारना? आते ही आप मुझको मारने लग गए। कितने लोग थे जिन्होंने आपका मारा? कम से कम 3-4 जने। 3-4 जने? हाँ। लेके पैरों में लाठी और मारी है। किस किस क्या क्या सामान था उनके पास? उनके पास डंडे बंडे थे। हाँ जी। आप इनको जानते नहीं हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ये कुछ नहीं जानता जी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जी। बहन के लोड़े कुछ नहीं है जी। अब पुलिस ने पकड़ा है किसी को? हाँ जी, पुलिस ने पकड़ रखा है। कल कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा सिपाही नरेंद्र है। नरेंद्र जी, क्या मामला था? मंडी में मारधाड़ करी है? मारधाड़ को पीटा क्या? एक दुकान में छोटा बच्चा सब्जी बेच रहा था, 3-4 बंदे आए, उस बंदे को लठोए मार रहे थे। तो क्या वजह रही है इस प्रकार बीच मंडी में इस प्रकार लाठी डंडे से हमला किया है? क्या था ये? तो अभी हम उस बंदे को थाने में ले जाए, पता चलेगा भाई क्या बात थी, क्या झगड़ा था। कितने लोग थे जिन्होंने इसका हमला किया? ये हमला किया 3-4 बंदे थे, एक को मैंने पकड़ कर पुलिस थाने में भेज दिया है। उस जाकर उनको पता करेंगे भाई वो कौन कौन बंदे का नाम है, कहाँ कहाँ रहने वाले, क्या बात थी। तो ये बात है, लड़का है वो इस टाइम कहाँ पर है? वो लड़का हमने हॉस्टल भेज दिया है, जी बलगढ़ भेज दिया जी। क्या नाम है सर आपका? होशियार लांबा भैया। सर जी, क्या मामला था मंडी में मारधाड़ करिए? ये लड़का मेरी दुकान पे सब्जी बेच रहा था, 4-5 लड़के आए जिनके हाथों में छोटे डंडे ले रखे थे। आते ही उस लड़के को बाहर खींचा, खींचते के साथ उस पर हमला कर दिया, उसके सिर में पैरों में बहुत ज़्यादा चोट मारी। इतने ही भाई साहब आए नरेंद्र जी, ये उस लड़के के पीछे पीछे तक भागे, उनमें से एक लड़का भाई ने पकड़ लिया है, अब पुलिस के हवाले दे दिया है, अपने गाड़ी में बैठा के PCR अब उनको थाने ले गई है, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा उनकी रंजिश क्या है, पुरानी रंजिश, 13-14 साल का बच्चा है, इसकी क्या रंजिश होगी? और वो उन्होंने बयान पे हथियार भी थे तेजधार, और उसके साथ में उन पर लठ भी थे। अभी ये अभी पता नहीं है किस बात पे हमला हुआ है। बड़ी मंडी में इस प्रकार बदमाशों ने हमला किया है, तो कितना सेफ ये तो देखो, सेफ क्या माने, जब मंडी में ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है, व्यापारी आदमियों के साथ ऐसा हो रहा है, आड़तियों के साथ में ऐसा हो रहा है, ये तो फिर भी इन्होंने काफ़ी मदद करी है, प्रशासन इतना हल्का नहीं है। तो क्या कोई CCTV कैमरे की मदद ले पाई है पुलिस ने? देखो अभी तो देखो छानबीन कराएंगे, इस वैसे सामने कैमरा लग रहा है कौन कौन है कहाँ के हैं। वैसे कि एक लड़का जो पकड़ा है वो पनेड़ा का बता रहा है अपने आप को, पनेड़ा का बता रहा है। हाँ, और उनमें से एक लड़का बहवलपुर का अभी बता रहे हैं, और बाकी पुलिस अपनी जो कार्रवाई करेगी। तो जो आरोपी पकड़ा है वो पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया? हाँ जी, हाँ जी, एक आरोपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है।